इस बार नए एडमिशन के लिए MIS फॉर्म स्कूलों द्वारा भरवाया जा रहा है। इस फॉर्म में 100 फॉर्म दिए गए हैं जिन्हें अभिभावकों को भरना है। इस फॉर्म में बैंक डिटेल, पैन कार्ड से लेकर अपना व्यवसाय, जाति व कैटेगरी के साथ ये भी क्लियर करना होगा कि कहीं आपके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। हमें दिक्कत तो है ही इनसे फॉर्म से, क्योंकि आप देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई चीज़ मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ से क्या हुआ है, अनक्लीन ऑक्यूपेशन। अब उसे अनक्लीन ऑक्यूपेशन से वो क्या बोल लेना चाहते हैं, या डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बच्चे का एडमिशन करवाने आए हैं, अगर घर में किसी को कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर की क्या इन्फॉर्मेशन। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब आपका रिलीजियस है या कैटेगराइज किया हुआ है SC BC, आप 14 ईयर्स तक तो आप वही नहीं देते, SC BC वही नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते बच्चों को, तो वो आप कैसे बच्चे के उसके इन्फॉर्मेशन में कैसे इंक्लूड किया जाएगा। और भी सब बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें फॉर्म में, यूजलेस सब, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं इसमें वो यूजलेस है। इस फॉर्म को अभिभावक मजबूरी में भर रहे हैं क्योंकि बच्चों के एडमिशन के साथ ये फॉर्म भरना जरूरी है। भले ही आप इसे गलत भर दें, आपको इसका कोई प्रमाण नहीं देना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस फॉर्म के मायने क्या है। इनमें से कुछ कॉलम तो ऐसे हैं जिसको लेकर अभिभावक एतराज जता रहे हैं और इन्हें यूजलेस बता रहे हैं, जिनका बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल इस फॉर्म को भरवाना मजबूरी बता रहा है तो जिला शिक्षा विभाग भी ऊपरी आदेशों की पालना कर रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से हमें फॉर्म आया है और उनके कहने पे हमें स्कूल बच्चों को हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं भरवाने के लिए। हाँ, हमने इन फॉर्म को स्टडी भी किया है डीपली। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चे की शिक्षा से रिलेटेड नहीं हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछा गया है, जो कि बिल्कुल उनका औचित्य नहीं है उन चीज़ों का। कोई भी बच्चा यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और सिर्फ आधार नंबर के बेस पे उसकी एडमिशन होनी चाहिए, और पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी आ रही है, मगर हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, शिक्षा विभाग का ऑर्डर है, हमें मानना पड़ रहा है। स्कूलों वाले के लिए सोचने की बात है कि वो फॉर्म के नीचे सिग्नेचर हमारे होने हैं, हर फॉर्म के नीचे। अगर वो बच्चा या पेरेंट्स कोई वो गलत फॉर्म भर देता है अपनी जाति के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, या और कहीं इसमें पॉइंट्स हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो अभी तक हमें नहीं बताया गया। वही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम नीचे सिग्नेचर करके भेज रहे हैं तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें खुद भी नहीं समझ आ रही अभी तक। MIS के ऊपर हर बच्चे का डाटा अपलोड होना है और उसके माध्यम से SRN नंबर जनरेट हो जाता है, बच्चा एक तरह से डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर हो जाता है, और उसमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन इसलिए डाली जाती है कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड स्कूल के पास रहे, और जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए या जब भी छोड़े तो SLC को भी हम MIS के माध्यम से ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे को वहाँ से रिलीव करते हैं। तो बाकी कॉलम्स तो उसमें इंफॉर्मेशन सारी चाहिए, स्कूल को भी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी चाहिए, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये फॉर्म डिराइव किया गया है और सारे कॉलम्स वहीं से दिए गए। तो विभागीय दिशा निर्देश अनुसार विभाग ने ही बना के इस परफॉर्मे को भेजा है और उसी पे काम करवाया जा रहा है। तो जो भी उसमें कॉलम है, पेरेंट्स को या स्कूल को, जो जिस बच्चे पर लागू होते हैं वो उसको यस कर सकता है, और जो उस पर लागू नहीं होते उसको नो कर सकता है। हिंद एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।